किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हॉस्टल में नलकों से गंदा बदबूदार और जंग आलूद पानी आने लगा है। डॉक्टर्स परेशानी में मुब्तला हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी से। बिलाल, बताइएगा दूसरों की सेहत का ख्याल रखने वाले आज अपनी सेहत के बारे में सोचने लगे हैं गंदे पानी की वजह से। जी बिल्कुल, ऐसी ही कुछ सिचुएशन है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर हॉस्टल में नलकों से गंदा बदबूदार और जंग आलूदा पानी आने लगा है। डॉक्टर्स को पानी के रोजमर्रा इस्तेमाल के लिहाज से शदीद मुश्किलात का सामना है। पीने और नहाने के लिए हॉस्टल में रिहाइश पसंद मेल फीमेल डॉक्टर्स परेशानी में मुबतला हो गए हैं। 3 माह से हॉस्टल के नलकों से गंदा बदबूदार और जंग आलूदा पानी आ रहा है। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना था कि हमें नहाने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो स्किन की बीमारियां हैं वो उसकी मुश्किल हम लोग मुबतला हो चुके हैं। हमें शदीद अजियत का सामना करना पड़ा है। जबकि इस हवाले से हमने जो अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कई बार जबानी और तहरीरी तौर पर आगाह भी किया है कि ये हमारे हॉस्टल में ऊपर से जो टैंकी से गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, लिहाजा इसको चेंज किया जाए या जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। लेकिन इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानेब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और मेल फीमेल दोनों डॉक्टर्स हॉस्टल में गंदा बदबूदार पानी आ रहा है रोजमर्रा इस्तेमाल में, जिसमें नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, दूसरे कामों के इस्तेमाल करने के लिए गंदे पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल, ये भी बताएगा कि डॉक्टर्स की जानेब से कोई एहतजाज की कॉल भी दी गई है? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की जानेब से फिलहाल जो है एहतजाज की कॉल नहीं दी गई, लेकिन उनकी जानेब से जबानी और तहरीरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया जा रहा है। अगर उनकी जानेब से कहा गया कि इस मसले को जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये जो पानी है ये बुनियादी जरूरत है इंसानी जिंदगी की, और डॉक्टर्स को जो कि जिन्होंने दूसरे लोगों को हिदायत देनी होती है कि किस तरह पानी से साफ पानी को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमारे अपने ही हॉस्पिटल में गंदा। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल चौधरी।